Hi, my name is Hamad Ali और हमारा कोर्स Java for Beginners के आज का टॉपिक है स्टेटमेंट्स और इनपुट और आउटपुट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। ऑल्दो कि हम पिछले लेक्चर्स के अंदर स्टेटमेंट्स के साथ फेमिलियर तो हैं, लेकिन हम उनकी ज़रा फॉर्मल डेफिनेशंस देख लेते हैं कि एक्चुअली स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्या होती हैं और किस तरीके से वर्क करती हैं। स्टेटमेंट बेसिकली प्रोग्रामिंग की कमांड्स होती हैं, सिंपल कमांड्स होती हैं जिनको कंपाइलर अंडरस्टैंड कर सके। ऐसे एक्सप्रेशंस जिनको कंपाइलर अंडरस्टैंड कर सके उनको हम स्टेटमेंट बोल देते हैं। स्टेटमेंट्स जो हमारे पास सिंगल लाइन स्टेटमेंट होती हैं वो एंड होती हैं विद सेमी कॉलन, और स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली डिसाइड करती है प्रोग्राम के फ्लो को कि प्रोग्राम के अंदर जो हमारा डाटा है वो किस तरीके से मूव करेगा। अगर हम ये कहें सिंपल लफ्ज़ों के अंदर कि मोर देन वन स्टेटमेंट्स के साथ मिलके हमारा जो एक प्रोग्राम है वो बनता है, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। स्टेटमेंट्स हमारे पास जो हैं वो सिंगल लाइन स्टेटमेंट्स भी होती हैं और हमारे पास ब्लॉक स्टेटमेंट्स भी होती हैं। ब्लॉक स्टेटमेंट्स क्या होती हैं कि एक से ज़्यादा हमारे पास जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको हम किसी एक ब्लॉक के अंदर डाल देते हैं और उन ब्लॉक को कोई ना कोई नाम भी दे देते हैं, कई दफ़ा नहीं भी देते, तो वो जो पूरा ब्लॉक है वो हमारे पास एज ए सिंगल स्टेटमेंट आ जाता है। ऑल्दो कि उसके अंदर सिंगल स्टेटमेंट्स बहुत सारी होती हैं, लेकिन वो पूरा ब्लॉक भी एज ए सिंगल स्टेटमेंट एक्ट करता है। उसके बाद हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ऐसी स्टेटमेंट्स जो कि हमारा डाटा अगर हमने प्रिंट करवाना हो तो उसके लिए हम क्या कमांड यूज़ करते हैं या कौन सी स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम system.out.print या system.out.println को यूज़ करते हैं। अभी system.out.print क्या चीज़ें हैं ये जो जो हम कोर्स में आगे जाएंगे ये ऑटोमेटिकली चीज़ें हमें समझ आना शुरू हो जाएंगी, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल हम इनको ऐसे ही याद कर लेते हैं कि अगर हमें कोई डाटा प्रिंट करवाना है तो हम उसके लिए ये वाली कमांड को यूज़ करेंगे, और उसमें अगर हमने किसी टेक्सचुअल डाटा को प्रिंट करवाना है तो हम डबल कोट्स में लिखेंगे। अगर हमें किसी न्यूमेरिकल डाटा को प्रिंट करवाना है तो हमें डबल कोट्स में लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, दोनों में क्या डिफरेंस है इसको भी हम देखते हैं। बाकी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमने जो एक नेमिंग कन्वेंशंस का जो एक छोटा सा हिस्सा ऐड किया है, अगर आप काइंडली उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें इस कोड को समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा, हमारे लिए इजी होगा कि हम इजीली बता सकेंगे कि व्हाट इज़ सिस्टम, व्हाट इज़ आउट एंड व्हाट इज़ प्रिंट। ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि ये जो अपना कोड है इसको हम एडिटर में जा कर लिख के देखते हैं और उसके बाद फिर इसके ऊपर फर्दर डिस्कशन करते हैं। यहाँ मैंने दो प्रिंट की कमांड दी हैं और दोनों के अंदर लिखा है विदाउट न्यू लाइन, और दोनों के साथ मैंने लिख दिया विदाउट न्यू लाइन 1 और एक के साथ विदाउट न्यू लाइन 2। अब जब मैं इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ तो आप देखेंगे कि प्रिंटिंग के दौरान में ये दोनों लाइनें सिमिलर लाइन में आई हैं, एक ही लाइन में लिखा गया है। तो बेसिकली system.out.print जो है वो हमें सिंगल लाइन में ही हर चीज़ प्रिंट करवा देता है और उसके बाद नई लाइन क्रिएट नहीं करता। अगर हमने नई लाइन क्रिएट करनी हो तो इसके साथ हम लगा देते हैं ln। तो अब आप देख रहे होंगे कि जैसे ही कोई चीज़ प्रिंट हुई है उसके बाद उसने एक नई लाइन को
ऐड कर दिया। तो सिंपल प्रिंट की कमांड के थ्रू हम किसी भी टेक्स्ट को हम प्रिंट करवा सकते हैं। इसके अलावा हम किसी भी वेरिएबल को प्रिंट करवा सकते हैं। इसके अलावा वेरिएबल को टेक्स्ट के साथ मिला के भी प्रिंट करवा सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स को प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पे हम उनको देख रहे हैं कंकैटिनेशन के टॉपिक के नीचे कि हमने बहुत सारे वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स और कॉन्स्टेंट्स के साथ स्ट्रिंग्स को प्रिंट करवा के देखा है। हम भी इनको बारी बारी प्रिंट करवा के देखते हैं और उनमें क्या डिफरेंस है वो भी देखते हैं। लेट्स से हमारे पास भी एक वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x और y। हमने भी एक वेरिएबल ले लिया x और उसके अंदर लिखवा दिया हमने लेट्स से 10, और एक हमने वेरिएबल ले लिया int is equal to y और इसके अंदर हमने लिखवा दिया 15, और उसके बाद हमने इसको प्रिंट करवा दिया int x। चूंकि मैंने प्रिंट ln यूज किया है तो पहली लाइन में x की वैल्यू आएगी और दूसरी लाइन में y की वैल्यू। तो आप देख सकते हैं कि पहली लाइन में x की वैल्यू 10 आई है और दूसरी लाइन में y की वैल्यू 15 आई है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे वेरिएबल का नाम भी लिखा हुआ है और जिस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो रही है, तो मैं इसके साथ एक स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट ऐड कर देता हूं। मैं इसके साथ x लिख देता हूं। अब ये एक स्ट्रिंग है और ये एक वेरिएबल है। इन दोनों को अगर हमने मिला के लिखना है जावा के अंदर, तो हमें एक ऑपरेटर यूज़ करते हैं जो कि प्लस का ऑपरेटर है, जिससे हम एडिशन भी करते हैं। लेकिन जब यहाँ पे इसको हम प्रिंट की कमांड के अंदर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे ये ऑपरेटर कंकैटिनेशन ऑपरेटर के तौर पे यूज़ होता है। यानी कि ये इन दोनों वैल्यू को सम नहीं करेगा, बल्कि इन दोनों को मिला के लिखने के लिए यूज़ होगा। तो आप देखेंगे कि ये इसने लिख दिया है एक्स और आगे कॉलन और उसके बाद उसकी वैल्यू 10। इसी तरह अगर वाई के लिए लिखना है, मैं y के लिए भी इसी तरह से लिख सकता हूँ। y को डबल कोट्स करके लिख दिया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो चीज़ एज इट इज़ नज़र आए, कैलकुलेशन ना हो, तो हम उसको डबल कोट्स में लिखते हैं, और अगर कोई चीज़ कैलकुलेट हो सकती होगी तो हम उसको डबल कोट्स के बगैर लिखेंगे, वो भी हम आपको दिखाते हैं। अभी फ़िलहाल हम x और y की वैल्यू को प्रिंट करवा लेते हैं। यहाँ पे हम दो स्टेटमेंट्स और लिखते हैं, और एक के अंदर हम करते हैं x प्लस वाई और एक के अंदर हम करते हैं डबल कोट्स के अंदर x प्लस वाई। एक को मैंने डबल कोट्स के अंदर x प्लस वाई लिखा और एक को मैंने डायरेक्टली x प्लस वाई लिख दिया। अब जब हम इस कोड को रन करते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारे पास x प्लस वाई एज इट इज़ लिखा हुआ आ गया है, और नीचे जो है वो उसने एज इट इज़ नहीं लिखा, बल्कि x और y की वैल्यू को ऐड करके, जो कि x की वैल्यू 10 थी और y की वैल्यू 15 थी, दोनों को ऐड करके 25 लिख दिया है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लेट्स से अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ कि एक ही लाइन के अंदर मेरा ये पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे कि ये ऐसे लिखेगा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 15। यहाँ पे इसने x और y को ऐड नहीं किया, क्योंकि इसके साथ स्ट्रिंग लगी हुई थी। शुरू में स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट था, तो इसने अज्यूम किया कि मुझे अब इसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं उनको कंकैटिनेट ही करना है। तो जब हमने इसको x दिया, तो उसने x को इसके साथ कंकैटिनेट कर दिया, यानी जोड़ के लिख दिया, और y को उसने बाकी वैल्यू के साथ जोड़ के लिख दिया। अगर हम चाहते हैं कि ये कैलकुलेशन उसी तरह परफॉर्म हो जैसे पहले हुई थी, तो हम इसको पैरेंथेसिस के अंदर लिख देंगे। अब अगर आप देखेंगे तो x प्लस y और उसके बाद उसके आगे वैल्यू 25 लिखी हुई है। अगर आप इसको ज़रा ऊपर वाले की तरह ही फॉर्मेट करना चाहते हो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस वाई कॉलम इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो प्रिंटिंग के लिए मेरा ख्याल हम इतना काफ़ी है। आपको मेरा ख्याल इसमें काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इसके बाद हम थोड़ा सा डाटा रीड करने की कमांड को देखते हैं। रीड करने की कमांड के लिए हम स्कैनर को यूज़ करते हैं।
स्कैनर बेसिकली एक डाटा टाइप ही है, और जो ये डाटा टाइप जिससे बिलोंग करती है, ये डाटा टाइप अभी हमने उसको रीड नहीं किया, ये जावा की बिल्ट इन जो लाइब्रेरी है उससे तो बिलोंग करती है, पर जावा की बुनियादी डाटा टाइप में ये शामिल नहीं है। तो आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि हम ये डाटा टाइप्स जो हैं खुद भी अगर हमने बनानी हो तो कैसे बना सकते हैं, और जब हमें ये समझ आ जाएगा कि ये कैसे बनती हैं तो हमें इन डाटा टाइप्स का भी ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन अभी तक के लिए हम इसको इसी तरह ही रखते हैं कि हम याद कर लेते हैं, लेकिन आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इसको डेफिनेटली समझेंगे भी और इसको यूज़ भी करेंगे। अगर आप देखें तो मैंने जो कमांड लिखी है वो मैंने बिल्कुल वैसी लिखी है जो मैंने स्लाइड के ऊपर लिखी हुई है, लेकिन उसके बावजूद मुझे एक छोटा सा एरर आ रहा है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि ये जावा की बिल्ट इन कमांड है, लेकिन ये उसमें शामिल नहीं है बुनियादी डाटा टाइप्स में, तो हमें ये जो इसकी बिल्ट इन कमांड्स को भी ऐड करने के लिए इनको जिसको हम लाइब्रेरीज बोलते हैं उनको हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मेरे पास एडिटर में ये येलो कलर का बल्ब आ रहा है, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे पहली ऑप्शन दे रहा है कि आप इस स्कैनर की क्लास को इंपोर्ट कर लें, और मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्कैनर की क्लासेस हैं जिनको इम्पोर्ट करना है, लेकिन मुझे जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर है। तो जो भी फर्स्ट है उसको मैंने ऐड कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्कैनर डॉट, जब मैं डॉट का ऑपरेटर डालता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारी और ऑप्शंस आ जाती हैं, और वो ऑप्शंस ऑलमोस्ट वही हैं जो यहाँ पे डिफाइन हुई हुई है। अगर हमने यूज़र से कोई बुलियन टाइप की वैल्यू रिसीव करनी है तो हम नेक्स्ट बुलियन लिखेंगे, अगर बाइट रिसीव करना है तो नेक्स्ट बाइट, डबल के लिए नेक्स्ट डबल, फ्लोट के लिए नेक्स्ट फ्लोट, और इंटीजर के लिए नेक्स्ट इंटीजर। इसी तरह नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लॉन्ग और नेक्स्ट शॉर्ट भी है। फिलहाल हम इसको नेक्स्ट इंट तक रखते हैं, नेक्स्ट, और मैं इंट लिख देता हूँ इसके आगे, तो ये मुझे जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो इंटीजर होगी, तो मैं इसको किसी वेरिएबल इंटीजर में सेव करवा लूँ। और अगर मैं इसको प्रिंट करके देखना चाहूँ कि ये जो वैल्यू है मेरे पास आ भी गई है, तो मैं इसको प्रिंट भी करवा लूँ। ठीक है, इनपुट वैल्यू इज जैसा कि हम देख चुके हैं कि प्रिंट करवाने के लिए हम कंकेटिनेशन ऑपरेटर यूज कर लेते हैं। जो भी हमारे पास वैल्यू आई होगी वो हम यहाँ पे शो करवा लेंगे। अब जब हम अपना कोड रन करते हैं तो ये कोड हमारा यहाँ पे आके स्टक हो गया। बेसिकली वो हमसे रिक्वायर कर रहा है कि हम यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू ऐड लिख के उसके बाद उसको एंटर करें। लेट से मैंने यहाँ पे 56 लिखा और एंटर किया, तो मेरा प्रोग्राम ने मुझे वो जो वैल्यू मैंने उसको दी थी वो रिसीव की और लिख दिया इनपुट वैल्यू इज़ 56। तो इस तरीके से हम कंप्यूटर के अंदर अपनी मर्जी की कोई भी डिफरेंट वैल्यूज़ दे सकते हैं, ताकि वो डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर हमें हर दफ़ा एक डिफरेंट आउटपुट जनरेट करके दे। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा क्विज है, उस क्विज को देख लेते हैं। क्विज में सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और उसके अंदर अगर डबल कोट्स लगे हों और उसके बाद उसका टर्मिनेटर साइन है, अगर ये कमांड लिखी हो तो सिस्टम में हमारे पास क्या प्रिंट होके आएगा या क्या चेंजेस आएंगी वो आपने हमको बताना है। इसके अलावा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इसके अंदर बेसिकली मैंने लिखा है जी डबल कोट्स स्लैश, फिर डबल कोट्स, फिर हेलो, फिर स्लैश, फिर डबल कोट्स, और उसके बाद फिर डबल कोट्स डाले हुए हैं, और उसके बाद मैंने पैरेंथेसिस को क्लोज़ किया और टर्मिनेटर साइन लगाया। तो यहाँ भी आपने हमें थोड़ा सा बताना है, गाइड करना है कि ये आउटपुट किस तरह से आउटपुट आई है, और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि इंट ए इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट बाइट, तो
तो ये भी आप हमें चेक करके बताइएगा कि क्या ये जावा कंपाइलर अलाउ करता है या नहीं करता, और अगर कर दिया है उसने तो आपके ख्याल में इसकी क्या वजह हो सकती है, क्योंकि हमने जो वेरिएबल है वो जो गेट करवाया है स्कैनर से वो तो बाइट है और हम रिसीव उसको कर रहे हैं किसी डिफरेंट डाटा टाइप ए में। तो अगर उसने अलाउ नहीं किया तो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनता, लेकिन अगर अलाउ कर देता है तो हमें ये आपने बताना होगा कि इसने क्यों अलाउ किया। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखें।